आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से मानव संसाधन पोर्टल ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है और इस वजह से बहुत सारे शिक्षक साथी अपनी छुट्टियां भी ऑफलाइन लिए हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह की 21 तारीख से 23 तारीख तक शिक्षकों की उपस्थिति लॉक करने के लिए पोर्टल खोला जाता है, लेकिन कल 23 तारीख की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है और पोर्टल ठीक ढंग से काम नहीं करने के कारण बहुत सारे विद्यालयों की उपस्थिति लॉक नहीं हो पाई है। ऐसे में दो दिन का समय बढ़ा दिया गया है, 24 और 25 यानी कि 25 यानी कल तक आप अपनी उपस्थिति लॉक कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये कार्य अभी कर लें, इसी वक्त कर लें, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण मामला है, आपका वेतन भी इससे प्रभावित हो सकता है। तो आप 25 तक निश्चित रूप से इसे लॉक कर लें। आपके बाद जब ब्लॉक स्तर पर ये जाता है तो उसके लिए भी समय सीमा बढ़ाई गई है और 26 तारीख से 28 तारीख तक ब्लॉक स्तर पर उपस्थिति लॉक की जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों इस महत्वपूर्ण कार्य को तत्काल कर लें ताकि आपका वेतन प्रभावित न हो। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर महानिदेशक कंचन वर्मा जी ने शुक्रवार को सभी बीएसए गण के साथ एक मीटिंग की जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। उसमें क्या कुछ निकल के आया है अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन उपस्थिति में शिक्षकों को मिल सकती है कुछ छूट, अंतिम निर्णय डीजीएससी के हाथ। निदेशक बेसिक शिक्षा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खीरी बीएसए ने रखा प्रस्ताव, कई अन्य जिलों के बीएसए ने भी दी सहमति। लखीमपुर खीरी से ये न्यूज है। इसमें बताया गया है कि शिक्षकों को सुबह 9:15 से 9 बजे तक ऑनलाइन उपस्थिति देनी है। इसके लिए विभाग ने स्कूलों को टैबलेट भी उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं शिक्षक इस समय को लेकर विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 15 मिनट का समय दिया गया है। वहीं सर्दी में कहीं कोहरा कहीं जाम में फंसकर शिक्षकों को किसी किसी दिन लेट हो सकता है, लेकिन पोर्टल 9 बजे बंद हो जाता है, इससे शिक्षकों में आक्रोश है। शुक्रवार को निदेशक बेसिक शिक्षा सहित अन्य अधिकारियों व बीएसए की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इसमें खीरी बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने इन शिक्षकों के इस प्रस्ताव को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि 9:15 से 9 बजे तक ऑनलाइन उपस्थिति का जो समय रखा गया है उसमें छूट दी जाए। प्रेरणा पोर्टल पर उपस्थिति का समय स्कूल समय तक रखा जाए। शिक्षक जिस समय स्कूल पहुंचे अपनी उपस्थिति दर्ज करें। उन्होंने यह भी बताया कि महीने में कम से कम 4 दिन शिक्षकों को आधे घंटे की छूट दी जाए। बीएसए ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर शिक्षक जिस समय उपस्थिति दर्ज करेंगे वह समय पोर्टल पर दर्ज हो जाएगा। ऐसे में वह शिक्षक भी चिन्हित होंगे जो लापरवाही करते हैं या नियमित देर से स्कूल जाते हैं। वहीं उन शिक्षकों को परेशानी नहीं होगी जो नियमित स्कूल जाते हैं पर किन्हीं कारणों से 1-2 घंटे लेट होते हैं। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि उनके इस प्रस्ताव पर अन्य जिलों के बीएसए ने भी सहमति दी है। वहीं निदेशक ने इसकी समीक्षा की कि अब तक कितने स्कूलों के शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। फिलहाल शिक्षकों को अब प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति नियमित देनी है। तो दोस्तों कहीं न कहीं ऑनलाइन जो शिक्षकों की उपस्थिति का मामला है ये मशीनी रूप में न देखकर व्यवहारिक रूप में देखना उचित होगा, तभी ये प्रोग्राम सफल होगा, अन्यथा ये कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करेगा और ये अव्यवहारिक समस्याएं आती रहेंगी। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आपने स्क्रीन पे महानिदेशक कंचन वर्मा जी के इस आदेश को देख सकते हैं और यह आदेश जनपद अंबेडकर नगर, अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, भदोही, फरुखाबाद, गोंडा, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, श्रावस्ती, सोनभद्र, सुल्तानपुर एवं उन्नाव, इन कुल 14 जनपदों को छोड़कर शेष सभी जनपदों के लिए आदेश दिया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो कक्षा 1 में नामांकित छात्र छात्राओं का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। यहाँ पे सत्र 2024-25 लिखा है, लेकिन यहाँ पे सत्र 2023-24 होना चाहिए, निश्चित रूप से यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ बताया गया कि सत्र प्रारंभ हुए 9 महीने से अधिक का समय हो गया, बार बार आदेश देने के बावजूद भी प्रेरणा पोर्टल पर कक्षा 1 के बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है। और इसी क्रम में आगे बताया गया है कि कक्षा 1 में नामांकित बच्चों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अंकित न करने वाले विद्यालयों की जनपदवार संख्या पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है। इन विद्यालयों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपने जनपद के लॉगिंग से प्राप्त कर संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए 3 दिवसों के अंदर अभियान चलाकर कक्षा 1 में नामांकित समस्त छात्र छात्राओं का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत करना तथा उनकी आख्या दिनांक 27/12/2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से महानिदेशक महोदय का ये आदेश है और कहीं कहीं आपका भी यदि कक्षा 1 के बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन अधूरा है तो आप यथाशीघ्र इसे पूर्ण कर ले। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। बच्चों की सेहत सुधारने के लिए स्कूलों में बनेंगे स्वास्थ्य क्लब, श्री अन्न के प्रति किया जाएगा जागरूक। लखनऊ से खबर है, स्कूल कॉलेज में बच्चों की सेहत सुधारने के लिए विद्यालयों में स्वास्थ्य क्लब स्थापित किए जाएंगे। शिक्षकों के सहयोग से स्थापित होने वाले इस क्लब में उनको खान पान संबंधी आदतों के विकास, बच्चों के स्वस्थ भोजन, श्री अन्न के फायदे आदि के बारे में जागरूक किया जाएगा। इससे जुड़ी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में कक्षा 3 से इंटर तक के विद्यार्थियों को श्री अन्न के फायदे बताए जाएंगे। उनके बीच श्री अन्न पर आधारित पोस्टर, रंगोली, स्लोगन, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसमें नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक कंचन वर्मा ने सभी डीएम को पत्र भेजकर स्वास्थ्य क्लब की स्थापना व ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज की प्रतियोगिता आयोजित करने को कहा। मालूम रहे कि युवाओं खासकर स्कूली बच्चों के टिफिन में अक्सर फास्ट फूड ही देखने को मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल परिसर में बच्चों को स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूक करने की पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप जानते हैं कि दिसंबर माह अपनी समाप्ति की तरफ अग्रसर है, ठंड का मौसम है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी उतनी ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड काफी बढ़ चुकी है और इसी को देखते हुए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं आदेश जारी हुआ है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बरेली का आदेश है जो कि 22/12/2023 को दिया गया था और इस आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अत्यधिक शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे की जगह 10 बजे से प्रारंभ होगी और 10 बजे से शाम 3 बजे तक का टाइमिंग होगा। तो इस प्रकार से इस जिले में टाइम चेंज कर दिया गया है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे अन्य जनपदों के भी इस तरह के आदेश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लेकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।